नमस्कार दोस्तों, आपका अपने MCG एकेडमी ग्वालियर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि RPF के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं और मैं आपके लिए एक्सपीरियंस शेयर वाली वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जो आप ही लोगों के द्वारा मुँह जवानी सुनाई जा रही है। इससे पहले मैं दो वीडियो जो है शेयर कर चुका हूँ, ये आप लोगों का तीसरा वीडियो है। क्योंकि दोस्तों, बहुत से यूट्यूब वाले जो झूठी झूठी देते हैं, ऐसा मैं आप लोगों के लिए कुछ भी झूठ नहीं देने वाला। हर एक वीडियो में आप लोग जिन बच्चों ने ट्रेड टेस्ट दे लिया है, उन्हीं के मुंह से सुनने वाले हो कि वहाँ पर उन लोगों के द्वारा क्या करवाया गया था। और इसी प्रकार आगे भी यदि आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना नंबर दे दीजिएगा, हम उसे पिन कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है मिल जाएगा, जिससे आप अपना जो है मुँह जबानी कहानी आप हमको बता सकते हो। और आप लोगों को बता देना है आप लोगों का ट्रेड टेस्ट कितने डेट के हो, जिससे हम आप लोगों से संपर्क कर लें और आप अपना नंबर भी दे सकते हो। साथ ही साथ आप लोग प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए, ये भाई ने हमें क्या बताया, इन्होंने हमें कुछ इस प्रकार की चीज़ें बताई हैं, तो आप उनका वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर सुनिएगा ध्यान से। और जिनका ट्रेड टेस्ट नहीं हुआ है, वह तो जरूर ही सुनिएगा, क्योंकि यदि आप नहीं सुनोगे तो आपको पता कैसे चलेगा किस प्रकार से सिलेक्शन हो रहे हैं, और एक्सपीरियंस भी पता कैसे चलेगा क्या क्या अनुभव है। तो ये अनुभव का तीसरा वीडियो, इससे पहले दो वीडियो मैं आपको डाल चुका हूँ, उनमें भी आपको अनुभव की वीडियो देख लेना है। और सभी के अनुभव अपने अपने अलग अलग हैं। इनका ये कहना है कि ये यदि ट्रेड एक है, फिर भी दो काम इनसे करवाए गए हैं। तो वीडियो को पूरा इनका जरूर अंत तक देखना है। शेयर करना चाहोगे अपने दोस्तों के साथ, आपके साथ जो कुछ भी हुआ आप एक बार बता दीजिए, क्योंकि आप ही के फ्रेंड ने मुझे नंबर दिया है, जिसका क्या है, मैंने अभी अभी वीडियो डाला था तो उन्होंने बताया मेरे दोस्त का भी डाल दो। मैंने बोला ठीक है, मैं उनसे एक्सपीरियंस ले लेता हूँ कि क्या क्या किया। तो आपको जो कुछ भी हुआ आपके साथ, बिल्कुल एक एक चीज बताइएगा। और झाड़ू लगवाई थी हमसे। तो मतलब दो काम करवाए थे आपसे? हाँ, हमसे दो काम करवाई थी। हाँ, पूरा पूरा और बताइए। तो हमसे किसी से रोटी बनवाई थी और किसी से सब्जी बनवाई। मतलब पूरा डिटेल में बताइए, जैसे आप सर अंदर घुसे, आप पूरा जिस प्रकार से आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आप एक एक बात बताइए, आपने किस प्रकार से क्या कुछ किया, आपके साथियों हाँ, ने हम क्या बता रहे कैसे हैं। किया, आप सर पूरा। पहले हाँ हम गए लाइन में लगे। हाँ सर। सर, अंदर हुए। फिर हमारा बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक हाँ, बायोमेट्रिक कैसे हुआ सर? कंप्यूटर पे हुआ था। हाँ, हाँ, बायोमेट्रिक के बाद 50 का ग्रुप बना। 50 लोगों का। हाँ, 50 में से फिर 10-10 का फिर बना ग्रुप। अच्छा। हाँ, 10 लोगों को अलग अलग काम को बांट दिया। किसी को रोटी बना खाना बनाने के लिए, किसी को सलाद काटने के लिए, हाँ और किसी को ये झाड़ू माड़ू लगाना था किचन में, वो नहीं गंदी हो जाती। हाँ हाँ, और हमसे चाय चाय बनवाई थी और झाड़ू लगवा दी थी। दो काम। तो मतलब एक हाँ व्यक्ति से दो काम भी करवा रहे हैं क्यों? हाँ हाँ दो काम करवा दे रहे। तो आप ठीक है जी, अच्छा है आपका। और और डॉक्यूमेंट में 10वीं, 12वीं की फोटोकॉपी और जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी। और जाति सेंट्रल वाला ले आना है कि कोई सा भी? नहीं, सेंट्रल वाला। हाँ, और आपका क्वालिफाई हो गया सर, हमारा क्वालिफाई हो गया। तो आपसे क्या क्या चाय और वो बनवाया था, क्यों झाड़ू लगवाया था? हाँ, झाड़ू लगवाई थी। आप कौन सी ट्रेड से हो, सफाई वाले से या वो बाटर कैरियर से? तो नहीं, हम वाटर कैरियर वाले थे। बाटर कैरियर वालों से सफाई वाले का भी काम करवा रहे हैं? नहीं, वहां पर गंदगी हटी तो उनके लिए झाड़ू लगा दो आप। हाँ हाँ, तो ये वैसे तो एक काम करवा रहे हैं। हाँ हाँ, हमारी किचन में तो नहीं, ज्यादा गंदगी थी इसलिए उन्हें झाड़ू लगवा दी थी, वहीं रखी थी। अच्छा। हाँ तो और क्या कहते हैं, मतलब चाय के लिए क्या क्या उपलब्ध था वहां पर? हाँ हाँ दूध था, हाँ शक्कर थी, चाय हाँ पत्ती थी, और ये अदरक था। इतनी थी। और और डंका और 2 कप थे। चाय को क्या वो पी करके टेस्ट करके बता रहे हैं कि मतलब किस हिसाब से हाँ नंबर दे रहे हैं? हाँ पी के। हाँ, एक अधिकारी 3 स्टार वाले आते हैं। हाँ हाँ, सुबह पीते हैं चाय। हाँ अच्छी अच्छी चाय लगी तो वे को एक कागज ले आते हैं, उसमें टिक लगा देते हैं। अच्छा। हाँ, नंबर नहीं बताए, नंबर बाद में किसी को ही नहीं बताते हैं। जब क्वालिफाई हो जाते जन जन, एक रूम में बैठा देते हैं। हाँ, हाँ जो क्वालिफाई हो जाएगा उसको अलग बैठा देंगे, और जो डिसक्वालिफाई उसको अलग बैठा देंगे। अच्छा सर। और ये और बताइए सर कि मतलब जैसे कि आप गए, तो आपके सभी आपके साथ वाले सभी लोगों को चाय बनानी पड़ी? नहीं, अब कोई किसी को कचू बनाना, किसी को अलग अलग काम दे रहे हैं।
सभी को अलग अलग काम दे रहे हैं। हाँ अलग अलग दे रहे हैं, किसी को आटा मारना, किसी को रोटी बनाना, किसी को सब्जी बनाना, किसी को सलाद बनाना, अलग अलग। जैसे आपका 10 लोगों का ग्रुप बना था, 10 लोगों में भी अलग अलग सामान करवा रहे थे। हाँ 10 लोग, हाँ अलग 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 करवाया था। जैसे हमने अभी एक्सपीरियंस की वीडियो बनाई है, दो तो उन लोगों ने तो हमें ये बताया था सर कि क्या कहते हैं, मतलब जैसे आप लोगों को साथ दिया तो अब सभी लोग आटा ही मारेंगे। नहीं हमारे में ही अलग अलग थे, हमारे हमारे में। आपका ट्रेड टेस्ट कहाँ हुआ था सर? हमारा वहाँ नासिक में हुआ था सर। तो आपको कैसा लगा ट्रेड टेस्ट आपका हो गया? तो आपको कुछ कहना चाहोगे अपने भाई लोगों से, जो लोग आपका वीडियो ऑडियो सुनने वाले हैं, बहुत से लोग, हजारों लोग सुनने वाले हैं, तो उसको आप उनको कुछ संदेशा देना चाहोगे? क्या कहना चाहते हैं, अच्छे से करेंगे वो काम, हो जाएगा उनका भी। हड़ बनाना नहीं है, पता हड़ बनाना नहीं अच्छे, है। हाँ हड़ बनाना नहीं है, अच्छे आराम से करो तो हो जाएगा अच्छे से क्वालिफाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अनुभव शेयर किया, और भाई लोगों को कुछ भी, आपको और कुछ यदि वहाँ आपके साथ आपने कुछ ऐसा देखा हो जो भाई लोगों के लिए जरूरी हो, कुछ और भी अद्भुत बात आप कुछ कहना चाहते हो तो बता दीजिए सर। हाँ सर जी बोलना चाहते हैं अच्छे से, उनके अधिकारी भी देखते हैं, चेक करते हैं, मैन अधिकारी तो आता है साथ में, और जो छोटे छोटे अधिकारी लगे रहते हैं हाँ वे भी चेक करते हैं, फिर वो उनको बड़े अधिकारी को बता देते हैं का कैसा है। एक बड़ा अधिकारी वो तो एक जगह कहाँ कहाँ तक देखेगा। सही है। हाँ तो वो छोटे छोटे अधिकारी हैं, उनके सामने भी अच्छा अपन को वो करना, दिखाना है मतलब। हाँ दिखाना है। और आपको नंबर तो नहीं बताए? नंबर नहीं बताए? नंबर नहीं बताए, कुछ ही नंबर नहीं बताए उनने ट्रेड में। तो आपको लग रहा है कि आप क्वालिफाई हो गए हो, लेकिन मेरिट में आप कितने नंबर हैं आपके? मेरिट हमारे तो कितने 45 नंबर है उसमें, सीबीटी में। अब इसमें तो पता है नहीं, अब इसमें कितने मिले हैं, अब देखो कितने मेरिट बनेगी। चलो धन्यवाद, आपने अपना अनुभव शेयर किया, बहुत से लोग इसको अब सुनने वाले हैं सर। जी जी ओके सर। चलो धन्यवाद सर।